आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं छेदी लाल जी का अदना सा मुलाजिम हूं। कल जब आप तशरीफ लाए थे तो ये गुलाम वही था। छेदीलाल? कौन छेदीलाल? गुलाम भाई, मैं किसी छेदीलाल को नहीं जानता। लेकिन आप इस हार को तो जानते हैं, कल आप इसे दे गए थे बनवाने के लिए। अब देखो, खामा खा हमें फंसाने की कोशिश मत करो। हाँ, यह हार लो और चलते नजर आओ। देखिए जनाबे वाला, जो मालिक का हुक्म था मैं बचा लाया, बाकी आप जाने और वो जाने खुदा। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो गुलाम मियां। अरे रोको रोको रोको, अशोक। अरे अब तुम कौन हो भाई? अरे सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूँ दिनकापुर, कोई एतराज है आपको? अरे कैसी बातें कर रहे हो? खुल्ला खुल्ला क्या कर लोगी? अरे तुम होश में तो हो? और ये हार लेकर अभी तक तो घूम रहे हो? जाके सुधा को देखे आओ। इसको मालूम है इसके अंदर हार है, ये भी मालूम है हार किसका है। अच्छा गैंग, तुम भी उस गैंग में हो? ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूं, मजबूत भी है सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। क्या दाम है इसका? 2 रुपया। 1.5 रुपए में दो ना। लाओ दूसरा दुकान देखो। अच्छा। साला मरते मरते आठन्नी बचाना चाहता है। सुन इधर आ, एक बात बताओ, आदमी मरते मरते आठनी बचा के क्या करेगा? कुछ नहीं। आठनी बचा के कुछ मिलेगा? जब जिंदगी चली गई तो आठनी बचा के क्या फायदा? चल यार 1.5 रुपया दे दे। किस बात के? रस्सी के। इस रस्सी को मैं क्या करूंगा? खुदकुशी नहीं करनी है? पागल है, खामा का फंसाना चाहता है, है? ये ले चले खा। खाली देख गया साला। सुधा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी अभी इंपीरियल होटल के बाहर अशोक मिला था, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे मैं कब मिला था तुम्हें? आज सुबह जो मैं तुम्हारे घर से नहा के निकला हूँ तो अब तक थाने में था। देखो दोनों रात भर परेशान रहे। परेशान ये रहे कि हम लोग जबरदस्ती पकड़ कर घर लाए और हम सबको भांग पिलाकर भाग गई ये दोनों। किसने तुम्हें भांग पिलाई? तुमने? अब मैं? सच बताना बहादुर, रात को पकौड़े में भांग मिलाए थे कि नहीं? सच सच बोलना। पकौड़े में भांग? लेकिन रात को तो हम घर पे आए नहीं। फिर झूठ बोलता है। नहीं सुधा, ये दोनों रात को मेरे यहाँ थे और मैं जो इन्हें थिएटर से पकड़ के लाई थी। किसको थिएटर से पकड़ कर लाई थी तुम? मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ। और जो मुझे भांग वाले पकौड़े रात को खिलाए थे, किसने खिलाए थे? तभी तो बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर, खाती तुम हो तन मेरे लगता है, किसने कहा था? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तो घर में घुसा ही नहीं हूँ, पूछो इस बहादुर से। बोला हाँ, रात को तो घर में कुत्ते भौंक रहे थे मैंने सुने, बाद में इन्होंने भी सुने। और वो चाबी, प्रेमा के ब्लाउज में से चाबी किसने निकाली थी? और वो दरवाजा किसने खोला था? इस दरवाजे पे मैं दिखाती हूँ, अभी भी वही ताला लगा हुआ है। ये क्या है कि नहीं ताला? और अभी तक बंद है, इसका मतलब चाबी अभी भी तुम्हारे पास ही है। चलो चलो अंदर। तुम राजतिलक जी के बेटे हो? हाँ। तुम भी? हाँ। तुम्हारा नाम अशोक है? ओ हाँ। मेरा भी? ये बहादुर तुम्हारा नौकर है? हाँ हाँ। मेरा भी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दाएं कंधे पर एक तिल है? नहीं तो? मेरे भी नहीं है। फिर तो हम दोनों भाई हुए। ये हैं तुम्हारी भाभी। दूर रहो, छुओ मत मुझे। क्यों भाभी? मैंने क्या किया? रात को बल्कि आप ही कह रही थी कि आपने मुझे बगैर कपड़ों के। क्यों? कल रात को कुछ कुछ
बाल बाल बच गई मैं, अगर कुछ कर बैठती तो। बापे। अरे सुनो सुधा। ए तनु। जीजा जी। मैं अलका हूँ। नहीं तुम जीजा जी नहीं हो, मुझे मालूम है। मैं जीजा जी नहीं हूँ तनु। तो फिर कल रात को तुमने मुझे किस क्यों किया था?